फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्राफ्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड, जैसे कॉपी का जो पेज होता है इस साइड का कार्डबोर्ड, आपको ये लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है। और हमें यहाँ पे थोड़े न्यूज़पेपर्स के टुकड़े चाहिए, हमें ये प्लास्टिक का टेप चाहिए, और हमें थोड़े स्टिक चाहिए, एक ही स्टिक चाहिए। और चलिए हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। अब हमें यहाँ पे पेपर, मतलब यहाँ पे प्लास्टिक टेप से इसे यहाँ पे, जो यहाँ पे है यहाँ पे, इसको ऐसे स्टिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे। आप चाहे तो यहाँ पे ग्लू से भी इसे स्टिक कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी जल्दी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मतलब प्लास्टिक टेप लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे ये जो स्टिक है, यहाँ से इसको अंदर करके दिखाना है, और फिर ऐसे करके हमें यहाँ पे पूरा नीचे का पॉइंट तक देना है। ये देखिए, इससे स्टैंड हो सके। और हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पे पेज लेना है, इसे ऐसे ऐसे करना है। फिर हमें नेक्स्ट पेज लेके ये देखिए ये ऐसे गोल हमने बना लिया है। अब हमें इसका ऐसे यहाँ पे अंदर फिट करके एक बार देख लेना है, ऐसे ये पूरा सर्कल है कि नहीं। और हमें एक वाइट कपड़ा चाहिए, और फिर यहाँ पे पूरा कवर करके देख लेना है वाइट कपड़े। ये देखिए हमें ये वाइट क्लॉथ चाहिए, इसको हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है, फिर यहाँ पे पीछे से स्टिच कर देना है। उसके बाद फिर हमें फिर से डबल कपड़े देके यहाँ पे ऐसे कर देना है। उसके बाद फिर आपको बता देती हूँ, हम अपनी मम्मी की मदद लेंगे, क्योंकि बच्चों को ये निडल्स नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर आप पढ़े हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे हमें स्टिच करना है यहाँ से, और स्टिच किसे करना है, मेरी मम्मी को, जो मेरी मम्मी करेंगी स्टिच। तो चलिए अब इसको स्टिच करते हैं। ये देखिए ये ऐसे इस क्लॉथ, वाइट क्लॉथ से करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने एक वाइट क्लॉथ को इसे यहाँ से स्टिच कर दिया है। तो चलिए इसे पहनाते हैं। तो ये देखिए इसके फेस का लुक ऐसे कवर करने के बाद ऐसा दिखता है। तो अब हमें इसके बॉडी पे ध्यान देना होगा। तो हमें एक पतला पेज चाहिए, इससे हमें इसको टाइट करके ऐसे करना है, बहुत टाइट करना है हमें इसे। हमें इसको टाइट करके करना है, जिससे अगर ये खुले ना। तो हटा के रख। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमें एक पेपर बचा है, तो यहाँ से अब हमें तो ये ऐसे हमें फोल्ड करते जाना है। आप चाहे तो यहाँ पे ग्लू से भी इसे स्टिक कर सकते हैं, या तो आप प्लास्टिक के टेप से भी इसे कर सकते हैं। अब हमें इसको लेना होगा। ये देखिए अभी अब हम इसे रखते हैं, और अब हमें
यहाँ पे ऐसे दो हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, ये ऐसे दिखेगा। और अब हमें यहाँ पे इसके बॉडी में, यहाँ पे हमें ऐसा ही वाइट कलर का एक क्लॉथ, यहाँ पे भी ऐसे ही हमें स्टिक करना है, और फिर ऊपर से हमें स्टिच करके यहाँ पे इसे पहनाना है। ये देखिए, यहाँ से मेरी मम्मी ने, हमारी मम्मी ने यहाँ से इसको धागे से यहाँ पे अंदर घुसा दिया है इन तीनों का। उसके बाद फिर अब हमें यहाँ पे ऐसे स्टिक करना है। यहाँ पे हमें अच्छे से पूरा स्टिक कर देना है। ये देखिए, ये पूरा लग चुका है, और हमने यहाँ पे इसे लगा दिया है जिससे अंदर का कुछ दिखाई ना दे। और हमें डॉल के यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है। यहाँ पे हमें पूरे डॉल का ऐसे दिखाई देना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। हमने हमें यहाँ पे इस क्लॉथ से, वाइट क्लॉथ से हमें डॉल का पूरा यहाँ का ड्रेस ऐसे कर देना है, और यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देना है पीछे से, और स्टिच मेरी मम्मी कर देगी। उसके बाद फिर हम ये हमें ड्रेस का यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे बाद। ये देखिए, ये यहाँ पे क्लॉथ लगाने से ये ऐसे दिखती है। ये देखिए, पीछे से मेरी मम्मी ने यहाँ पे ऐसे स्टिच कर दिया है। अब हम इसके स्कर्ट्स को बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक और वाइट लगाया था, अब हमें इसे बांधना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे इसे स्टिक करना है। देखिए, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें इसके हैंड बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं। हमें एक वाइट पेपर लेना है और उसे रोल करना है। अब हमें यहाँ पे इसे स्टिक करना है, तो चलिए स्टिक करते हैं। अब हमें इसके हैंड को यहाँ पे लगाना है ऐसे। अब हमें यहाँ पे ऐसे ही बैंड लगाना है हैंड पे। यहाँ पे हमने हैंड स्टिक कर दिया है। ये देखिए, अब हम इसके फिंगर्स बनाएंगे हैंड। तो चलिए अब हम इसके फिंगर्स बनाते हैं। अब हमें एक पेज लेना है और फोल्ड करना है। अब हमें इसके हैंड बनाने हैं। अब
हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने और कट कर लिया है, 4 यहाँ पे हैंड्स हैं। अब हमें डॉल के हैंड्स में इसे ऐसे करके लगाना है। और देखिए यहाँ पे हमने एक फ्लैग भी बनाया है जो डॉल ऐसे करके पकड़ेगी, और फिर हम यहाँ पे ऐसे हैंड बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए ये पूरा ऊन हमारी मम्मी ने कट किया है, तो इससे हम डॉल का हेयर बनाएंगे। और आप यहाँ पे पेपर, ये जो ब्लैक पेपर है इसको आप ब्लैक पेपर, ब्लैक कलर पेपर भी ले सकते हैं, और हमने इसे कलर किया है। और मैंने यहाँ पे ग्लिटर पेपर से इसके नेकलेस के लिए कुछ तैयारी की है। ये देखिए इसका नेकलेस। अब हमें डॉल के आईज और लिप्स ड्रॉ करने हैं एक पेज पे। तो यहाँ पे हमें लिप्स और आईज ड्रॉ करने हैं, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। से जो ऐसे करके निकला हुआ है हमें इसे कट करना है, और हमें यहाँ पे ब्लू पेन से ये सब ऐसे डार्क कर लेना है जिससे हमारी डॉल का आईज और ये। तो अब हमें इसके आईज लगाने हैं। देखिए अब हमें इनके सेकेंड आईज भी लगाने हैं। अब हमें लिप्स लगाने हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे एक पेज लेना है व्हाइट कलर का, यहाँ पे हमें फ्लावर जैसा ड्रॉ करना है और इसे कट करना है। ये देखिए हमने डॉल का एक्सटेंशन बनाया है, मतलब हेयर हमें ऐसे लगाना है। ये देखिए अब हमारी डॉल अच्छी लग रही है। और अब हम ये देखिए इसे कट करने के बाद ये फ्लावर ऐसा दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर इसे ऐसे स्टिक कर देंगे और यहाँ पे ऐसे स्टिक करेंगे एंड बोल में। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ऐसा ही शेप का एक ऑरेंज और एक ग्रीन कलर लेना है। ये देखिए कैसा दिखता है। ये देखिए आपको इसके 4 बनाने हैं, 4 बनाने हैं। ये देखिए अब हमें इसे कट करना है। हमने इस टेप को मिडल से कट करके ये पूरा डिज़ाइन कर दिया है। ये देखिए ये साइड से ऐसे रहेगा और इस साइड से ये ऐसे रहेगा। और हमें अब हमारी डॉल के बाल में ऐसे एक रबर बैंड से इसे बांधना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये एक तरफ कर लिया है। अब हम पीछे के साइड में ऐसे लगाएंगे यहाँ पे ग्लू से ऐसे।
देखिए, अब हमें इसके ऊपर यहाँ पे टेप लगाना होगा। उसके बाद फिर हमने जो ये बनाया है इसको यहाँ पे लगाएंगे। और ये देखिए, अब हमें यहाँ पे फ्लैग लगाना बाकी है और हैंड्स फिंगर्स। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे हैंड्स ऐसे लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे हैंड्स लगाने हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये दो हैंड्स थे, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे स्टिक कर दिए। और जो बाकी हैंड्स दो बचे हैं इसको हमें इस हैंड में लगाना है, जिससे ये दिखाई दे ऐसे ही पकड़ी है ये डॉल। तो ये देखिए, हमने हमारी डॉल के बाल भी बांध दिए हैं और इनके हेयर बैंड भी लगाए हैं और हमने फ्लैग भी पकड़ा दिया है। देखिए, हमारी डॉल को हम दोनों ने मिलके बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर हमारे न्यू वीडियोस आएँ तो वो आपके फ़ोन में आ जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।